कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं बहुजन यूट्यूबर, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। की खबर जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और आज की खबर जुड़ी है आरक्षण से। तो आज की खबर जुड़ी है बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से। तो आज हम इस पर जो विस्तार से बात करेंगे और आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, उस पर जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है। साइट में आप मेरी एक ट्वीट देख रहे हो, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दे रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस कथन पर कि आरक्षण मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि आरक्षण जो मूलभूत अधिकार नहीं, उस पर मायावती ने जो ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना। बीजेपी व एनडीए सरकार के पार्टनरों का कहना है कि आरक्षण मूलभूत अधिकार नहीं है किंतु संवैधानिक अधिकार है। मतलब उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक अधिकार है और फिर भी मतलब संवैधानिक अधिकार नहीं है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं फंसता नजर आ रहा तो कहीं निकलता होगा। आगे बहन जी लिखती हैं, जिसके प्रत्येक के वचन बुद्ध है तो फिर आरक्षण को 9वीं सूची में क्यों नहीं डाले। मैं आपको साथियों, मैं आपको बता दूं, ये मांग लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती एवं कई सारे बहुजन नेता जो उठाते चले आ रहे हैं कि आरक्षण को जो 9वीं सूची में रखना चाहिए। और आगे लिखती हैं, 9वीं सूची में शामिल करने की बीएसपी मांग करती है, इसमें देर क्यों। तो ये जो ट्वीट था वो मायावती जी की तरफ से कहा गया था और उन्होंने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमलावर करते हुए कहा कि यदि सरकार चाहती है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार है तो इसको 9वीं सूची में क्यों नहीं डालती, बीएसपी इसकी मांग करती है। साथ ही उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरह से, जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी की जो फैली हुई है देश में उससे ना निपटते हुए कहीं तो आरक्षण, कभी कोई मुद्दा तो कभी कोई मुद्दा, अलग मुद्दों को लेकर जो है सरकार लगातार भटकाने की कोशिश कर रही है। बहन मायावती जी ने बीजेपी के साथ जो किया और उन पर हमलावर हुई, उनका जो ट्वीट हुआ और उनकी जो मांग थी कि आरक्षण को जो 9वीं सूची में रखें, वो सब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे बहुजन यूट्यूबर, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि और अच्छी वीडियो जो आपको मिल सके। बहुजनों की हर खबर पाने के लिए बहुजन यूट्यूबर बहुजनों की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे।